मंगल गीतों के बीच स्टेज पर चढ़ रही थी दुल्हन। पीछे से हो रहा था शोर, दूल्हा स्टेज पर आगे बढ़ा। दुल्हन ने हाथ उठाया, हवा में तान के रिवॉल्वर जला दी गोली। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। शादी निपट गई, लेकिन मामला पहुंच गया सोशल मीडिया पर और एसपी के आदेश पर एफआईआर हो गई। अब जेल पहुंच गया है दुल्हन का पिता और चल रही है मामले की तफ्तीश। ये पूरी कहानी का सार यूपी के प्रतापगढ़ का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला यह है कि प्रतापगढ़ के पुरवा गांव के निवासी गिरजा शंकर पांडे की बेटी रूपा का विवाह 30 मई को हुआ था। शादी की रस्मों के दौरान जब जयमाल का कार्यक्रम होना हुआ, तो स्टेज पर चढ़ने से पहले रूपा ने अपने चाचा रामबास पांडे की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर हवा में गोली चला दी। यूं तो यह सारा मामला जश्न में ही खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर पर शेयर हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद प्रतापगढ़ के एसपी आकाश तोमर ने प्रतापगढ़ पुलिस को इस संबंध में एफआईआर कराने का आदेश दिया। हरकत में आए पुलिस महकमे ने स्थानीय दरोगा बलवंत सिंह की तहरीर पर दुल्हन, उसके पिता और उसके चाचा पर एफआईआर दर्ज कर ली और बाद में दुल्हन के पिता गिरजा शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को एसडीएम की कोर्ट ने गिरजा शंकर को जमानत दे दी और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन बाद में प्रतापगढ़ के एसपी आकाश तोमर ने कहा कि इस घटना के वीडियो का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और डीएम से हवाई फायरिंग के लिए उपयोग की गई रिवॉल्वर का लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की गई है।